हेलो दोस्तों, मामा टेलर पूजा फैशन बुटीक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बाजू का डिज़ाइन बनाएंगे, वो बहुत सुंदर डिज़ाइन है। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो हम नई वीडियो डालें वो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों आइए हम बाजू को डिज़ाइन बना के दिखाते हैं। सब्सक्राइब कीजिए पूजा फैशन बुटीक चैनल को, क्लिक कीजिए बेल आइकन पर ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों आज हम बाजू में डिजाइन बना के दिखाएंगे। ये पाइपिंग के लिए कपड़ा है, इसकी हमें डोरी भी बनानी है और ये बाजू है। तो आइए हम कट में डिजाइन बना के दिखाते हैं। दोस्तों ये बुकरम है, हमें 1 इंच ऊपर से जहाँ से मुड्ढे में हम बाजू चढ़ाएंगे वहाँ से 1 इंच ही बुकरम कम लेनी है और नीचे 1.5 इंच कम लेनी है। तो हम बाजू से 1.5 इंच नीचे से कम कर दिया, 1 इंच ऊपर से बुकरम हमने ले रखा। अब ये बुकरम को हम यहाँ से कट कर देंगे। दोस्तों बुकरम ये डबल है, इसे हम एक बार और फोल्ड करेंगे, ये 4 तह में हो जाएगी, दोनों बाजुओं के पैटर्न कट जाएगा। ये जिधर से फोल्ड है हम उधर से कट करेंगे। हमें ऐसे बुकरम में शेप देनी है। ये हम कट करके निकाल दिया इसे, इस तरह ही आएगी ये बाजू का कट। एक्स्ट्रा दबाव हमें कट करके निकाल देना है। दोस्तों 20 सेंटर में बाजू के हम प्रेस से निशान उठा लेंगे या फिर ऐसे ही नाखून से क्रीज बना लेंगे 20 सेंटर की। ये 20 सेंटर की क्रीज बन गई। हमें उल्टा और सीधे का निशान लगा लेना है, इधर तो लगा हुआ है, इस साइड में भी हमने लगा लिया। ये बुकरम के पैटर्न को हम उल्टे की तरफ रखेंगे और ये कपड़ा जो पाइपिंग जिससे हमें निकालना है वो हम नीचे की तरफ जो सीधे की तरफ है वैसे रखेंगे। और हमें देखना है दोनों तरफ कपड़े का मार्जिन बराबर होना चाहिए, नीचे भी ऊपर भी इधर साइडों में भी। अब इसमें हम पाइपिंग निकाल देंगे, जितना हमें दबाव लेना है पाइपिंग के हिसाब से हम उस हिसाब से मार्जिन को बुकरम को दबाते हुए पाइपिंग निकालेंगे इसमें। अभी हम बीच का दबाव कट कर देंगे। तो ये दोस्तों कपड़े को हम अंदर करके इसमें हम पाइपिंग निकालेंगे।
तो हमें ऐसे पाइपिंग निकालनी है। अब हम इधर से इस बुकरम के ऊपर हम कपड़े को फोल्ड कर देंगे। दोस्तों ये एक्स्ट्रा दबाव हम कट कर देंगे। दोस्तों ये उल्टी की तरफ है फिनिशिंग से और ये सीधी की तरफ है। ऐसे हम दूसरी बाजू में भी पाइपिंग निकाल लेंगे। दोस्तों ये पाइपिंग का कपड़ा हमें सीधे की तरफ रखना है। ये उल्टे की तरफ है बाजू और हम पैटर्न उल्टे की तरफ रखेंगे ऐसे। और इसमें भी हम देखेंगे कि दबाव बराबर है चारों तरफ, ये बराबर आ रहा है दबाव। अब इसमें भी हम पाइपिंग निकाल देंगे। दोस्तों ये दोनों बाजू में हमने पाइपिंग लगा लिया है। दोस्तों हम डोरी के लिए कपड़ा इसमें काटेंगे। ये हमारा खड़ा कपड़ा है तो हमें डोरी के लिए कपड़े को औरे में ऐसे काटना होता है। इससे क्या डोरी फर्स्ट क्लास निकलती है औरे कपड़े में। हमें 1 इंची चौड़ी पट्टी काटनी है। दोस्तों हमें डोरी बनाने के लिए लंबा कपड़ा चाहिए होता है, तो अगर नहीं होता है तो उसमें हम क्या करेंगे, ऐसे पट्टियां काट के हमें जोड़ ऐसे तिरछा लगाना होता है ऐसे। तो इसमें डोरी पलटने में आसानी होती है। अगर सीधा जोड़ लगाएंगे तो उसमें डोरी पलटी नहीं जाएगी सही से। तो जोड़ को हम ऐसे तिरछा करके लगाएंगे। दोस्तों डोरी पलटने के लिए हमें हम क्या करेंगे, जहाँ से हम शुरू करेंगे सिलाई लगाना तो वहाँ पे हम थोड़ा कपड़ा चौड़ा में लेंगे ताकि आराम से डोरी की नोक इसके अंदर से निकाली जा सके। उसके बाद में हमें दबाव जिस हिसाब से लेना उसी हिसाब से हम सिलाई लगाते चले जाएंगे। दोस्तों इसे हम ऐसे तिरछा कट कर देंगे। दोस्तों डोरी पलटने के लिए हम सुई में ये डबल धागा डालेंगे तो ये 4 तह हो जाएगा धागे की। इस हिसाब से हम धागे को 4 तह में कर लेंगे और ये कपड़े के अंदर इतने दबाव में हम इसे निकाल लेंगे यहाँ से। और आधे दोनों तरफ दो धागे इस साइड में, दो धागे उस साइड में पकड़ के हम सुई को उल्टी की उल्टे तरफ से, इधर नोक नहीं है इस साइड से हम इसके अंदर डाल देंगे।
सुई को अब हम यहाँ पे ऐसे फंसा देंगे और ये धागे को यहाँ से ऐसे लपेटते हुए इस कपड़े को आराम से इसके अंदर करते हुए ऐसे हम निकाल लेंगे। यहाँ पे कपड़े को आराम से ऐसे अंदर करते हुए ऐसे हम डोरी सारी पलट लेंगे। दोस्तों ये जो हमने पेंच काटा था पाइप, हम इससे निशान लगा लेंगे। ऐसे ही दूसरे में भी लगा लेंगे। दोस्तों ये बुकरम को हम ऐसे डबल कर लेंगे। और इसमें हम कुटके लगा लेंगे। दोस्तों ये जो निशान लगा रखा है तो हम क्या करेंगे, अब कुटके में ये ऐसे निशान लगा लेंगे तो इससे हमें लुप्पी लगानी है। इससे एक बराबर निशान आएंगे लुप्पी। ऐसे ही हम दूसरे में भी लगा लेंगे निशान। दोस्तों हम इतनी लंबी लुप्पी काट के हम इसे ऐसे डबल करेंगे और इतनी हमें जो बीच में बाजू में गैपिंग रहेगी उसके अंदर करना है, जो डबल फोल्ड कर रखा है, और ये दबाव हमें इस साइड में देना है और ये हम निशान के ऊपर ही लगाएंगे। दोस्तों ऐसे हमें ये लुप्पी सेट कर लेनी है। ऐसे हम दूसरी बाजू में भी सेट करेंगे। दोस्तों दोनों बाजुओं में हमें ऐसे पैटर्न में सेट कर लेना है लुप्पी। अभी जो हमने निशान लगा रखा है इसमें पैटर्न में, हम उसी निशान पे बाजू पे पैटर्न को सेट कर देंगे एक बराबर से सिलाई लगाते हुए। ये इधर से रख के डबल सिलाई लगा देंगे हट के आधा इंच।
दोस्तों इससे लुप्पी हमारी ये पक्की हो गई। अभी हम अखबार निकाल देंगे। दोस्तों ऐसे ही हम दूसरी बाजू भी बना लेंगे। दोस्तों ये पैटर्न हमें ऐसे सेट कर लेना है। अब हम यहाँ पे नीचे की बाजू बनाएंगे। ये दोस्तों इसको हम बाजू को बीच से फोल्ड करेंगे। इतना हमें 1 इंच का दबाव यहाँ देते हुए, और यहाँ हमें कम से कम 3.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब यहाँ से हम ऐसे राउंड निशान लगाते हुए इसे कट कर देंगे। अब इसे हम कम से कम 1.5 इंची चौड़ी पट्टी और रेब में काट लेंगे। अब इस पट्टी को हम ऐसे डबल फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद में एक बाजू के एक ये पट्टी लेंगे। अब इसमें हम डबल करके ये जिधर राउंड शेप दी हुई है, हम यहाँ से ऐसे सिलाई लगा लेंगे बराबर से। अब दोस्तों हमें पलट के ऐसे इसमें सिलाई लगा देनी है। अभी आम किनारे पे भी सिलाई लगा देंगे एक। दोस्तों इधर किनारे से हम सब पट्टियों में ऐसे ही पक्का कर लेंगे। हम इन्हें ऐसे तलपट रख के हम यहाँ से इनको अटैच कर देंगे दोनों को। ये दूसरी भी पट्टियों को हम ऐसे ही अटैच कर लेंगे। हमें देखना दोनों बराबर आनी चाहिए। अब इसे हम डबल ऐसे फोल्ड करेंगे।
बीच में ऐसे कुटका लगा लेंगे। दोस्तों ये बाजू का जो बीच सेंटर है हम यहाँ पे भी कुटका लगा लेंगे। और ये कुटके से कुटके को मिला के हम इसे सिल देंगे। दोस्तों हम इसमें एक पैर हट के सिलाई लगाएंगे। अब दोस्तों हम इसमें लुप्पियाँ डाल देंगे। दोस्तों हम नीचे की तरफ से डोरी को डालना शुरू करेंगे। ये नीचे वाली लुप्पी है, अब हमें यहाँ पे इस साइड में डालना है। एक बीच की छोड़नी है। अब ये भी इधर भी हम एक छोड़ देंगे लुप्पी को। ये एक फिर लुप्पी छोड़नी हमें। अब दोस्तों ये जो लुप्पी है इसमें हमें डालना है। ऊपर से लाते हुए हमें अब जो उस साइड की हमने लुप्पी एक एक बीच में छोड़ दी उनमें डालना है डोरी को। दोस्तों ऐसे हमें डोरी को सेट कर देना है। सेट करने के बाद हम यहाँ पे ऐसे डोरी में गिट्ठा बांध देंगे और इसमें हम लटकन लगा देंगे। ऐसे हम दूसरी बाजू में भी कर लेंगे। ये हम पहली लुप्पी से शुरू करेंगे। ये एक छोड़नी है लुप्पी हमें। अब इधर की एक लुप्पी छोड़ देंगे हम। अब ये जो हमने लुप्पी छोड़ रखी है इसमें हम ऐसे ही डोरी को सेट कर देंगे। तो दोस्तों हमने ये लटकन लगा दिया है। ये बाजू बनाने का तरीका आपको अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो हमने ये वीडियो डाले तो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।